हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे देतीवन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, फिक्स्ड सैलरी रहेगी 80,000। आप लोगों को यहां सैलरी मिलेगी, बिना नेट पीएचडी के भी आप लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। दो तरीके की एडवर्टीजमेंट जारी हुई है, जहां पर एक तरफ तो नेट पीएचडी मांगा गया है, जिन्होंने नेट सेट क्लियर किया है, पीएचडी किया है, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा एडवर्टीजमेंट जहां पर नेट और पीएचडी के बिना भी जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप डालेंगे, क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज क्या रहने वाली है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेन वेबसाइट है, यहां पर रिक्रूटमेंट आपको नजर आ रहा है। तो नीचे आपको आना है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, इसको आप ओपन कर लेंगे तो इस तरीके का जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं दो विज्ञापन हैं। सबसे पहला जो है विज्ञापन संख्या 17/2023, तो इसको आप जो है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ फाइल, इस पर आप जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट कंप्लीट आपको नजर आएगी। दूसरा विज्ञापन संख्या है 16/2023, इसके सामने भी आप लोगों को नजर आ रहा है पीडीएफ फाइल, तो नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलेगा। अप्लाई जो है वो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, अप्लाई लिंक सामने ही है, हर सब्जेक्ट के आगे अप्लाई नाउ आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नीचे भी आपको दूसरे विज्ञापन संख्या में भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे तो आप अप्लाई करेंगे। अब नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। यहां पर जो पोस्ट है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बंगाली और कॉमर्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। हम यहां पर देखने वाले हैं मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जहां पर नेट सेट या फिर पीएचडी नहीं चाहिए। दूसरा जो विज्ञापन है 16, तो यहां पर जो है आपके पास नेट पीएचडी जो है क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि यहां पर क्या डिमांड की गई है। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट नंबर 17 हमने ओपन कर लिया है, ध्यान से आपको देखना है। एक जो पोस्ट है यहां पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की। तो ये जो है मैंने ओपन कर लिया है एडवर्टीजमेंट नंबर 17/2023। तो यहां पर वैकेंसी डिटेल आपको सारी नजर आ जाएगी। सबसे पहले जो है एक पोस्ट है यहां पर आपको दिखाई देगी, सिस्टम एनालिस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज जो है 35 ईयर रहनी चाहिए, पे स्केल लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगी गई है, साथ में 3 साल का यहां पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी जो है मांगा गया है प्रोग्रामिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की, तो यहां पर जो पे स्केल है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा, उम्र जो है 30 ईयर है, बाकी एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया ही जाता है। क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगी गई है, तो मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ केमिस्ट्री में, उसके साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। थर्ड जो नंबर है, स्टडीड बंगाली एज अ सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं में आपने जो है वो बंगाली लैंग्वेज जो है वो पढ़ी हो। यहां पर जो है आप लोगों की ड्यूटी जो है कहां लगेगी, तो आपको पढ़ाना होगा यहां स्टूडेंट्स को हायर सेकेंडरी क्लासेस ऑफ FBPHS स्कूल, यहां पर आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो इंग्लिश की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को पे स्केल दिखाई, क्वालिफिकेशन दिखाई, और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना कहाँ होगा ये मैंने आपको बताया, इसी तरीके से जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, फिजिक्स के लिए रहेगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए रहेगा, उसके बाद जो है बंगाली, ठीक है, इसके लिए रहेगा। सारी चीज़ें जो है वो समान रहने वाली है। नेक्स्ट जो है वो कॉमर्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उम्र जो है वो 38 ईयर है और लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल दी जाएगी। तो
थोड़ा बहुत जो है वो अंतर आप लोगों को नजर आएगा। क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल जैसे कि कॉमर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा अलग यहाँ पर मिलेगा, जैसे मास्टर डिग्री कहा गया है, इसके साथ में आपके पास जो है वो नेट स्लेट सेट ये भी, इसके अलावा एमफिल पीएचडी ये भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तो बिना नेट पीएचडी के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, और नेट पीएचडी चाहिए ऐसे भी सब्जेक्ट हैं। तो लास्ट डेट जो है इसकी रहने वाली है 29 सितंबर 2023, ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी है, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलेगी। इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। और भी चीज़ें जो है वो आप डिटेल में पढ़ लें। 19 पेजेस की जो है पीडीएफ फाइल है, हाउ टू अप्लाई, कैसे जो है वो अप्लाई करना है, तो यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसकी जो मेन वेबसाइट है upsconline.nic.in, यहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा ही दिया था कैसे जो है वो आप अप्लाई करेंगे। जॉब बहुत अच्छी है, यदि आप क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप जरूर अप्लाई करें। बाकी चीज़ें भी जो है वो आप लोग डिटेल में यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट की जो है वो देखें, उसके बाद जो है वो आवेदन आप लोगों को करना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।